नमस्कार दोस्तों, तो डायमेंसिटी 6100 प्लस के साथ इंडिया का पहला फोन लॉन्च हो चुका है। प्राइस है 15,000 के आसपास। वैसे सेम प्राइस पॉइंट में स्नैपड्रैगन 695 और जो डायमेंसिटी 6080 ये दोनों प्रोसेसर के साथ ये जो डायमेंसिटी 6100 प्लस, इसका मैंने कॉम्पिटिटिव वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे 15,000 रुपये आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 और 15,000 रुपये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है डायमेंसिटी 6100 प्लस। तो इस बिल्कुल नए दो प्रोसेसर के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो डायमेंसिटी 6100 प्लस, ये तो बस अभी लॉन्च हुआ है, मतलब क्वार्टर 3 2023 पे लॉन्च हुआ है। लेकिन उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 वो लॉन्च हुआ था क्वार्टर 2 2023 पे, मतलब आज से 2-3 महीना पहले लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। दोनों भी आपको मिलेगा 2+6 कोर स्ट्रक्चर, मतलब 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर आपको मिलेगा। इसके बाद अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो मैंने मेरे हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो में आपको यही चीज कहा है कि जब हम ऐसे दोनों प्रोसेसर के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो उस टाइम पे जिस प्रोसेसर के जो नैनोमीटर नंबर दूसरे के मुकाबले कम होगा तो उस प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट दूसरे के मुकाबले बेटर होगा। तो देख सकते कि इस मामले में स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 बना है 4 नैनोमीटर पे, डायमेंसिटी 6100 प्लस बना है 6 नैनोमीटर पे। इसका मतलब पावर मैनेजमेंट के मामले में नो डाउट स्नैपड्रैगन का ये जो प्रोसेसर होगा बेटर। लेकिन इधर ये चीज भी देखना कि जो स्नैपड्रैगन का ये जो प्रोसेसर ये बना है सैमसंग के आर्किटेक्चर पे, लेकिन जो डायमेंसिटी वो बना है टीएसएमसी का आर्किटेक्चर पे। और जनरली हीट मैनेजमेंट सैमसंग के प्रोसेसर का उतना बढ़िया नहीं रहता, तो इसका मतलब बैटरी एफिशिएंसी में नो डाउट स्नैपड्रैगन होगा बेटर, लेकिन हीट मैनेजमेंट या स्टेबिलिटी के मामले में डायमेंसिटी इधर थोड़ा सा बेटर होगा। नेक्स्ट, अगर दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी में हमको मिलेगा 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A76 कोर जिसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, उसके साथ 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर्टेक्स A55 कोर उसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 में आपको मिलेगा 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर्टेक्स A78 कोर उसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, और उसी जगह पे 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़। तो मतलब देख ही सकते कि दोनों प्रोसेसर का जो पावर एफिशिएंसी कोर या फिर जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर, दोनों का स्पीड है एग्जैक्टली सेम, लेकिन डिफरेंस आपको मिलेगा जनरेशन में। क्योंकि जो 6100 प्लस उसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम कोर्टेक्स A76 कोर, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा कोर्टेक्स A78 कोर, मतलब 2 जनरेशन बेटर सीपीयू कोर मिलेगा। अभी ये जो डिफरेंस ये सब आपको नजर में आएगा अनटूटू स्कोर में और स्पेशली गीगबेंच स्कोर में, क्योंकि जब भी बेटर क्वालिटी का सीपीयू कोर इस्तेमाल होता है तो उसका जो इंटरनल परफॉर्मेंस वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट, अगर दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, इधर दोनों प्रोसेसर में आपको मिलेगा डुअल चैनल रैम का सपोर्ट। डायमेंसिटी में आपको मिलेगा LPDDR4X तक का रैम का ऑप्शन, स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा LPDDR5 तक का रैम का ऑप्शन। डायमेंसिटी में रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज़, स्नैपड्रैगन पे रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा डायमेंसिटी में रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ 17.1 GBPS और स्नैपड्रैगन पे रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ 25.6 GBPS। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी रैम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन इधर होगा नो डाउट बेटर। नेक्स्ट, अगर मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी में आपको मिलेगा EMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 2.2 तक का स्टोरेज का ऑप्शन। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा EMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 2.2 तक का स्टोरेज का ऑप्शन। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी मेमोरी सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 इधर है नो डाउट बेटर। नेक्स्ट, अगर कैमरा सपोर्ट की बारे में बात करें तो इधर दोनों प्रोसेसर में मिलेगा सिंगल कैमरे में 108 मेगापिक्सल तक का कैमरे का ऑप्शन और डुअल कैमरे में मिलेगा 16 और 16, मतलब टोटल 2 16 मेगापिक्सल कैमरे का ऑप्शन, मतलब मैक्सिमम मेगापिक्सल वाले कैमरा सपोर्ट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। और नेक्स्ट, अगर दोनों की वीडियो कैप्चर की बारे में बात करें तो जो डायमेंसिटी 6100 प्लस, इसमें मिलेगा मैक्सिमम फुल HD वीडियो 30fps पे और 720p स्लो मोशन वीडियो किस क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा फुल HD वीडियो 60fps और 720p स्लो मोशन वीडियो 120fps पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी वीडियो कैप्चर क्वालिटी में स्नैपड्रैगन इधर होगा नो डाउट बेटर। नेक्स्ट, अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों प्रोसेसर में आपको मिलेगा मैक्सिमम फुल HD प्लस का डिस्प्ले का सपोर्ट जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz और इसके अलावा दोनों पे मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक क्वालिटी है फुल HD तक का।
तो मतलब इस डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। इसके बाद हम देखेंगे दोनों के नेटवर्क सपोर्ट के बारे में। तो डायमेंसिटी में आपको मिलेगा 5G में डाउनलोड स्पीड 3.3 Gbps का, लेकिन 5G में अपलोड स्पीड कितना मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा 5G में डाउनलोड स्पीड 2.5 Gbps का और 5G में अपलोड स्पीड 900 Mbps का। तो मतलब देख ही सकते कि 5G स्पीड के मामले में ये जो डायमेंसिटी इधर है स्लाइटली बेटर। और इसके अलावा डायमेंसिटी में आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन, स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.1 का ऑप्शन। मतलब ये टोटल दो मामले में आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा 6 GHz 5G नेविक सपोर्ट, वाईफाई 5 और डुअल बैंड वाईफाई का ऑप्शन। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी नेटवर्क सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 6100 प्लस इधर है स्लाइटली बेटर। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो ये जो डायमेंसिटी 6100 प्लस इसमें आपको मिलेगा माली G57 MC2 वाला ग्राफिक्स कार्ड। मतलब ये एग्जैक्टली वही ग्राफिक्स कार्ड है जो कि हमें डायमेंसिटी 810, 700, डायमेंसिटी 6080 ये सभी प्रोसेसर में हमें देखने को मिलेगा। और उसी जगह पे स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा एड्रिनो 613 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि रन कर रहा है 955 मेगा स्पीड पे। तो अगर हम दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर की बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू AnTuTu GPU स्कोर जो कि वर्जन 10 का डायमेंसिटी 6100 प्लस ने इधर स्कोर किया है 65000 के आसपास, उसी जगह पे स्नैपड्रैगन ने इधर स्कोर किया है 60000 के आसपास। तो मतलब इस ऑन पेपर ग्राफिक्स कार्ड स्कोर के मामले में दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट अगर दोनों के AnTuTu स्कोर की बारे में बात करें तो जो डायमेंसिटी 6100 प्लस उसका AnTuTu वर्जन 9 में स्कोर है 3,45,000 के आसपास, लेकिन उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का जो AnTuTu वर्जन 9 उसका स्कोर कितना है इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन डायमेंसिटी 6100 प्लस का AnTuTu वर्जन 10 में स्कोर है 4,33,000 के आसपास, उसी जगह पे AnTuTu वर्जन 10 में स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 ने स्कोर किया है 4,47,000 के आसपास। तो मतलब AnTuTu स्कोर के मामले में दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम। और इसके बाद फाइनल अगर दोनों के Geekbench स्कोर की बारे में बात करें और मैंने इधर Geekbench वर्जन 6 का स्कोर लिया है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह दिया था आप देख सकते हैं क्योंकि Snapdragon 4 Generation 2 में आपको बेटर CPU आर्किटेक्चर मिल रहा है और इसके अलावा इसमें आपको Cortex A78 कोर मतलब बेटर जनरेशन का CPU कोर मिल रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेसर के Geekbench स्कोर में आपको एक मेजर डिफरेंस मिलेगा। तो Dimensity 6100 प्लस का सिंगल कोर में स्कोर है 720 और मल्टी कोर में स्कोर है 1919, उसी जगह पे Snapdragon 4 Generation 2 का सिंगल कोर में स्कोर है 916 और मल्टी कोर में स्कोर है 2100 के आसपास। तो मतलब इस Geekbench स्कोर के मामले में नो डाउट Snapdragon 4 Generation 2 होगा बेटर। तो अब बढ़ इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो सेम प्राइस पॉइंट में दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन से सबसे बेस्ट, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं अगर आप 15000 के प्राइस पॉइंट में डायमेंसिटी 6100 प्लस के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा फास्टर CPU स्पीड, मतलब टोटली एक ही एडवांटेज आपको मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी CPU, बेटर CPU आर्किटेक्चर, फास्टर रैम सपोर्ट, फास्टर स्टोरेज मतलब रोम सपोर्ट और उसके अलावा बेटर क्वालिटी वीडियोग्राफी का ऑप्शन। तो मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डायमेंसिटी 6100 प्लस जो कि नया लॉन्च हुआ है इसके मुकाबले नो डाउट स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 है बेटर। और अगर आप सोच रहे कि जो डायमेंसिटी 6100 प्लस ये कोई नया प्रोसेसर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दो साल पहले या फिर प्रोबेबली ढाई साल पहले जो इंडिया पे लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 810 जिसके ऊपर बहुत सारे फोन इंडिया पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद इस साल के स्टार्टिंग में जो लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 6080 जो कि एक्चुअली वो जो डायमेंसिटी 810 उसका रिब्रांडेड वर्जन है, उसके साथ भी आपको बहुत सारे फोन इंडिया में मिलता है। तो अभी उस प्रोसेसर के एक और बार रिब्रांडेड वर्जन है डायमेंसिटी 6100 प्लस, क्योंकि डायमेंसिटी 6080 और 6100 प्लस के अंदर आपको लिटरली कोई डिफरेंस ही नहीं मिलेगा मॉडेम को और सीपीयू स्पीड को छोड़ के। मतलब ये जो डायमेंसिटी 6100 प्लस है एक्चुअली दो साल पहले का एक प्रोसेसर है। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना इसके बाद डायमेंसिटी 6100 प्लस के साथ और कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन आप देखना चाहेंगे, उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। Thank you.